Hello friends, today we are going to cover the acid bases and salts second lecture, right? I am Poonam Burgujar, senior faculty in chemistry and VMCHAL. Now we are going to cover the neutralization reaction and its application and acid bases reaction in this topic, right? Now, what do you mean by neutralization reaction, or what do you mean by the salt? Acid and bases we have already covered in the first lecture, and in the second lecture we are going to cover the salts. What do you mean by salts, right? Salts are basically formed when the acid is react with the base and salt is formed, or you can say vice versa, the base react with the acid and form the salt, right? Now, acid reacts with the base, forms water plus salt. Water is a neutral, salt is neutral, right? Where I have shown the diagram where one test tube contain the acid, another test tube contain the base, both are mixed together and they are forming the salt, right? Now, acid plus base, that is acid is HCl, that is hydrochloric acid, react with sodium hydroxide, which is a base, will form water plus this. So H positive and OH negative will form water. What is left with? Na positive and Cl negative will form NaCl, right? Now HNO3 plus sodium hydroxide, where H positive and OH negative will form water, and Na positive and NO3 negative will form salt, that is sodium nitrate, where second reaction is shown over here, right? Now, what is the application of the neutralization in our daily life? If I talk about, so first of all, I can say ki neutralization reaction hamare daily life mein kahan pe hoti hai. Agar main baat karun एंट एसिड की, जैसे कि हम लोग बहुत एक्सेस में, कभी शादियों में गए हैं तो हम लोगों ने शादियों में एक्सेस ऑफ खाना खा लिया है, मिल रहा है तो पेले जा रहा है. दैट मीन्स व्हाट, कि हम लोग ने बहुत सारा खाना खा लिया है अभी, तो हम लोग ज्यादा खा लेते हैं, उससे क्या हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है. इनडाइजेशन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइजीन पीते हैं या फिर इनो पीते हैं. तो डाइजीन और इनो कर क्या रही है, डाइजीन एंड इनो बेसिकली न्यूट्रलाइज करती है जो एक्सेस ऑफ एसिड हमारे पेट में बन चुका है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमें पता है ये पेट में ऑलरेडी होता है, अगर वो एक्सेस में बन जाए तो उसे इनडाइजेशन कहते हैं. उसे रिमूव करने के लिए या फिर मिनिमाइज करने के लिए डाइजीन और इनो यूज करते हैं. एंड द डाइजीन एंड इनो में केमिकल सब्सटेंस क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका एक और नाम है, दैट इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं एंट एसिड की. एंट एसिड की अगर मैं बात करूं तो एंट एसिड में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करते हैं तो एंट एसिड हमारी बॉडी में कौन सा एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड. अब फॉर्मिक एसिड जब वो हमें छोड़ेगी तो वॉट विल हैपन, बहुत ज्यादा जलन वहां पे होगी और यू कैन से कि इरिटेशन होगी. नाउ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अब बेस चाहिए. फॉर्मिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि वीक है, वीक तो है स्टिल, उसमें इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है, तो उस वीक एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, एक वीक बेस करेगा. तो घर में जो अवेलेबल हमारे पास बेकिंग के लिए बेकिंग सोडा होता है, उसे अगर आप पानी में थोड़ा सा भिगो के मॉइस्ट कर लो, एंड इफ यू रब ऑन द इफेक्टेड एरिया यू विल फील द रिलीफ ऑन द एंट बाइट, राइट. नाउ नेक्स्ट इज माय सॉइल ट्रीटमेंट. सॉइल ट्रीटमेंट इज मोस्ट ऑफ द, इफ यू हैव सीन कि कभी भी ना सॉइल पे जो पेड़ या फिर पौधे होते हैं, जब ना एसिडिक कंडीशन में ग्रो हो पाते हैं ना बेसिक कंडीशन में ग्रो हो पाते हैं, देन दे नीड अ पर्टिकुलर यू कैन से कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द सॉइल इज नेसेसरी. इफ इट इज मोर एसिडिक, इफ मोर बेसिक, तो उसे न्यूट्रलाइज करना जरूरी होता है. मोस्टली द सॉइल जो होती है फर्टिलाइजर के कारण में एसिडिक होती है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, लाइम यूज करती हूँ या फिर लाइम स्टोन यूज करती हूँ या फिर लाइम वाटर यूज करती हूँ. वॉट इज लाइम, लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम स्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट.
नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फैक्ट्री वेस्ट, तो फैक्ट्री वेस्ट में बेसिकली मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि मेरा जो फैक्ट्री का मोस्ट ऑफ द वेस्ट अगर मैं बात करूं तो कहाँ पे जाता है, इट विल गो डायरेक्टली इन टू द रिवर्स एंड फ्रॉम द रिवर्स इट विल गो इन टू द ओशंस, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, फैक्ट्री के मोस्टली जो केसेस होते हैं उसमें जो वेस्ट है वो एसिडिक होता है। अब एसिडिक को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा बिफोर थ्रोइंग इन टू द रिवर बॉडी, व्हाट विल हैपन, इट विल किल द एक्वेटिक लाइफ, सारी की सारी मछलियां मर जाएंगी। और अगर मैं बात करती हूँ कि एक्वेटिक लाइफ में, तो जो प्लांट आपने देखा ही होगा कि वेदर इट इज अ रिवर और इट इज अ पॉन्ड और इट इज एन ओशन, तो वहां पे फिशेस के साथ में अदर एनिमल्स भी है, अदर प्लांट्स भी है। ये एसिडिक सोल्यूशन अगर उसमें जाएगा तो दे विल डाई, राइट। सो टू प्रिवेंट फ्रॉम द दिस थिंग है, वी नीड टू न्यूट्रलाइज दिस फैक्ट्री वेस्ट विद द हेल्प ऑफ द बेस, कि मैंने अगर एसिडिक है ज्यादा तो उसे न्यूट्रलाइज करके बेस न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा, तो दोनों के दोनों न्यूट्रल है तो आराम से इसे पानी में रिलीज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। नाउ देर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शन विच वी नीड टू रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट द सेम रिएक्शंस बट द पैटर्न ऑफ द रिएक्शन वी नीड टू रिमेंबर, राइट, कि एसिड के साथ में क्या रिएक्शन है, बेसिस के साथ में क्या रिएक्शन है, तो वो चीजें मुझे याद करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि एसिड की रिएक्शन विद मेटल्स, और इफ वी कैन से द मेटल रिएक्ट विद एसिड, आई एम जस्ट सेइंग अ जनरल टर्मिनोलॉजी, व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द एसिड विल फॉर्म द सॉल्ट एंड H2, दैट इज द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। If you see the test tube over here, this is a zinc metal in the test tube where we added the sulfuric acid in it. What will happen if you see the test tube? The bubbles are over there. The bubbles are nothing but the hydrogen gas which is releasing, right? Now, मैंने यहाँ पे आपको दो तीन एग्जाम्पल यहाँ पे लेके दिखाए हुए हैं जिसमें मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। तो सबसे पहली बात, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही है। नाउ वी नीड टू रिमेंबर कि मैंने फॉर्मूला आपको बनाना पहले सिखा चुका है फर्स्ट लेक्चर में, तो आपको अभी फॉर्मूले लिखने भी आने चाहिए। मैग्नीशियम इज डायरेक्टली Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। नाउ मैग्नीशियम क्लोराइड इफ आई टॉक अबाउट, तो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे है बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड में अगर मैं बात करूं तो Mg की मैं बात करती हूँ, Mg ये रहा, Cl ये रहा, क्लोराइड का Cl ये रहा। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 की होती है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। नाउ क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वॉट यू विल गेट, MgCl2, जो कि ये रहा। अंडरस्टूड द थिंग कि MgCl कहां से आया, MgCl2, राइट। नाउ अब यही चीज है कि ये एक मेटल प्लस एसिड से बना हुआ है, तो ये चीज क्या कहलाएगी, मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। नाउ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सो इट विल फॉर्म अ सॉल्ट ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन गैस। अब सॉल्ट ऑफ मेटल इफ आई टॉक अबाउट, द एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन ने मिलके क्या बना दिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी से मिला दी, जैसे मैंने फर्स्ट केस में किया वैसे ही यहाँ पे करूंगी कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोरीन की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द एल्यूमिनियम क्लोराइड। अंडरस्टूड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि हाइड्रोजन गैस तो निकल रही है, हाउ विल यू टेस्ट द हाइड्रोजन गैस कि वो आखिर हाइड्रोजन ही है या कुछ और भी निकल सकता है, क्योंकि बबल्स के फॉर्म में एनीथिंग कैन बी इवॉल्व, राइट। अब वो हाइड्रोजन है या नहीं है वो देखते हैं। ये आपने एक सेटअप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो जहां पे मैंने एक इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, सी यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये दिस इज नोन एज अ टेस्ट ट्यूब, राइट, इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हुए हैं। जिंक ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस में मेटल लिया हुआ है सो दैट कि सरफेस एरिया बढ़ जाए।
तो उसके अंदर में मैंने क्या डाला हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है। व्हाट विल हैपन, यहाँ पे मैंने इसे कॉर्क से बंद किया हुआ है सो देट कि गैस बाहर ना निकले, और जो भी गैस निकले वो सीधा इस ट्यूब में जाएगी, राइट। व्हाट विल हैपन, गैस निकली इस ट्यूब में गई, इस ट्यूब से कहाँ जाएगी, वो डायरेक्टली गोज इनटू द वाटर, वाटर में गैस रहेगी नहीं तो इट विल गो अप, राइट। ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये एयर से लाइटर होती है, राइट। सो इसे जो आप सेटअप देख रहे हो, ये वाले सेटअप को कहा जाता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ गैस। अगर गैस मेरी लाइटर होगी तो मैं ऐसे उसे कलेक्ट करूंगी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से, राइट। नाउ वहां से वो गैस आई, यहां से कोई भी गैस निकली, व्हाट विल हैपन टू टेस्ट द वेदर इट इज अ हाइड्रोजन और सम अदर गैस, तो मैं क्या करूंगी, बर्निंग स्प्लिंट यहाँ पे लगाऊंगी, या फिर यू कैन से यहाँ पे कैंडल दिखाई हुई है तो कैंडल लगाऊंगी। अगर वो गैस हाइड्रोजन होगी तो इट विल कॉज पॉप साउंड एंड एक्सटिंग्विश, द कैंडल विल एक्सटिंग्विश विद द पॉप साउंड, राइट। एकदम से फट की आवाज आएगी और कैंडल बुझ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो वो जो गैस मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। और वेयर द सॉल्ट विल रिमेन, द सॉल्ट विल रिमेन इन द टेस्ट ट्यूब ओनली, राइट। अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ अब यहां पे मैंने कई सारे मेटल्स आपको दिखा रखे हैं, उनकी रिएक्शंस एयर के साथ में, वाटर के साथ में और एसिड्स के साथ में। अगर आप देख पा रहे हो तो ऊपर वाले मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो ठंडे पानी में भी रिएक्ट हो रहे हैं। कुछ बीच वाले मेटल ऐसे हैं जिन्हें गर्म पानी या फिर आप कह सकते हो स्टीम की जरूरत है, और नीचे वाले कुछ मेटल ऐसे हैं जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मींस दे डोंट रिएक्ट विद वाटर, राइट। नाउ एट रूम टेम्परेचर इफ आई टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, नाउ ऊपर वाले पोटेशियम, इफ आई टॉक अबाउट द मेटल्स लाइक पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, ये सारे मेटल्स इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि ये डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन कर देता है। डाइल्यूट का मतलब है हेयर एसिड इज लेस वाटर इज मोर, सो ये डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट कर देता है, तो इन मेटल्स को मैं क्या कहूंगी, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, राइट। नाउ यहाँ पे कुछ मेटल्स आप ऐसे देखोगे जो डाइल्यूट के साथ कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करना पसंद करते हैं, उन्हें मैं कहूंगी, इन सारे मेटल्स को जिंक से ले तक लेड तक, इन सारे मेटल्स को मैं कहूंगी मॉडरेट रिएक्टिव, राइट। नाउ देयर आर द मेटल्स लाइक कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर एंड गोल्ड, दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एनीबॉडी। कॉपर एंड मर्क्यूरी थोड़ा बहुत कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट कर भी लेते हैं, बट सिल्वर एंड गोल्ड कभी भी रिएक्ट नहीं करते, तो इन्हें मैं क्या कहूंगी, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, राइट। दे आर वेरी लीस्ट एंड वो इन लोगों के साथ में रिएक्ट करना पसंद नहीं करते, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि हम लोग गोल्ड के ऑर्नामेंट पहन सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीबॉडी। सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हम लोग पहन सकते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीबॉडी। अगर मैं थोड़ा सा इसमें और ध्यान दूंगी तो मुझे ये पता चल रहा है कि पोटेशियम सोडियम कैल्शियम आर मोर रिएक्टिव, और यहाँ पे कुछ मेटल्स मॉडरेट रिएक्टिव है, कुछ मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव है। इसके बेसिस पे कि कौन डाइल्यूट से रिएक्ट करता है, कौन कंसंट्रेटेड से रिएक्ट करता है, और कोई कोई तो ऐसा है कि वो दोनों से रिएक्ट नहीं करता है, दोज मेटल्स अकॉर्डिंग टू दिस थिंग वी डिसाइडेड अ सीरीज विच इज नोन एज द रिएक्टिविटी सीरीज विच डिसाइड विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव मॉडरेट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी विद द एयर वॉटर एंड एसिड राइट नाउ नेक्स्ट स्लाइड शोज दैट मेटल रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्लाइटली हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बट डाइल्यूट इन द सेंस की हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वेरी लेस एंड द वॉटर इज मोर राइट सो पोटेशियम रिएक्ट वेरी वॉयलेंटली और इट इज कॉज द एक्सप्लोजिव रिएक्शन सोडियम इज ऑल्सो कॉजिंग द एक्सप्लोजिव रिएक्शन कैल्शियम इज बेसिकली Very rapid lots of hydrogen is produced, but it is not causing the explosive reaction. एकदम से फटेगी नहीं reaction, right? If I talk about the magnesium, magnesium is still hydrogen gas release कर रही है बहुत जल्दी. Zinc भी बहुत जल्दी, बहुत slow hydrogen release कर रही है.
और आयरन की बात करते जिंक एंड आयरन की बात करते हैं तो ये बहुत कम हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है और यू कैन से कि बहुत डाइल्यूट के साथ में रिएक्शन करना पॉसिबल नहीं है, इन्हें टाइम बहुत लगेगा रिएक्शन होने में। इफ आई टॉक अबाउट द हाइड्रोजन एंड कॉपर, तो हाइड्रोजन एंड कॉपर कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ में। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और कॉपर एक मेटल है। सो कॉपर से नीचे वाले सारे के सारे मेटल्स कैसे हैं? आपके लीस्ट रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव एफआई से, अकॉर्डिंग टू विच वी डिसाइडेड अ रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव एंड बीच में हमारे आगे मॉडरेट रिएक्टिव डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, राइट? अंडरस्टूड? नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नॉन मेटल रिएक्ट विद द एसिड, तो नॉन मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, राइट? नॉन मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते, नॉन मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते। हियर आई हैव प्रोवाइडेड द एग्जांपल ऑफ द सल्फर, वेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द सल्फर, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। सीधा सीधा याद करना है, नो रिएक्शन, नथिंग एल्स। दिस इज ऑल इज अबाउट अ रूम टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस पे हम लोग बात नहीं करेंगे सेवेंथ क्लास में। बात करते हैं मेटल रिएक्ट विद बेस। नाउ मेटल रिएक्ट विद बेस, तो देखो मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन कर दी, अब मेटल बेस के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, मींस नहीं करता है। एक्सट्रीम यहाँ पे मेरे पास कुछ ही मेटल्स है जो कि रिएक्शन करेंगे, जो कि मेरे एसिड के साथ भी रिएक्शन दे रहे थे और जो कि मेरे बेस के साथ भी रिएक्शन देंगे, राइट? यहाँ पे मैंने आपको मेटल दिखा हुआ है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, तो एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म द सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, राइट? तो मेरे पास एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब यहाँ पे मुझे सॉल्ट कौन सा मिला है, सोडियम एल्यूमिनेट, दैट इज NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैसेस में भी निकल रहे। नाउ व्हेन इट रिएक्ट विद द एसिड दैट इज एल्यूमिनियम, हियर एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एसिड इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है हाउ द एल्यूमिनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, राइट? इसकी प्लस 3 वैलेंसी है, इसकी प्लस माइनस 1 वैलेंसी है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, AlCl3 विल फॉर्म। अब ऐसे मेटल्स जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं, ऐसे मेटल्स को मैं क्या कहती हूँ, एम्फोटेरिक मेटल्स। अब ये अलोन, सिर्फ एल्यूमिनियम इज नॉट देयर इन दिस लिस्ट, हेयर इज द जिंक इज देयर इन द लिस्ट, टिन इज देयर इन द लिस्ट, लेड इज देयर इन द लिस्ट, वेयर these four metals are there which react with the acid as well as base, that's why they are known as the amphoteric metals. Please remember the terminology, this is very very important. I am repeating again and again for you guys to remember it. Thank you guys.